और अभी हाल में मोहनजोदड़ो से एक कॉपर टैबलेट मिली है जिसमें पशुपति बैठे हुए 9 टैबलेट मिली हैं, जिसमें दो तीन पे पशुपति हैं और पशुपति बैठे हुए हैं कॉपर टैबलेट पे। अब तक करीब 15-16 सील और कॉपर टैबलेट मिली है जिन पे पशुपति सील मिले। इसी तरह से लखन जोदारो एक अलग स्थल है मोहनजोदड़ो के पास, वहां खुदाई हुई है, वहां पर भी बहुत बड़े क्षेत्र में सिंधु संस्कृति सभ्यता थी। लगभग 250 से लेके 300 हेक्टेयर, तो वहां से भी एक कॉपर टैबलेट मिली है लखनऊ जोदारो से जिसमें पशुपति हैं। ये नई डिस्कवरी है, शायद पुस्तकों में नहीं है। लेकिन अभी एक और स्थल है गनूर द्वीप पे तुर्कमेनिस्तान में, अफगानिस्तान के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, मेहरगढ़ से और उत्तर में, वहां सिंधु घाटी सभ्यता के हाथी के बोन से निर्मित बड़ी आकर्षित वस्तुएं मिली हैं। मिरर मिला है इंडस वैली का, और सील मिली हैं जिसमें एलिफेंट बना मिला है। पहले इसी तरह के प्रमाण मेसोपोटामिया में ऊंट से मिले हैं, लेकिन गुनोर देते में आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं। तो गुनोर देते लगता है ये जो हाथी हाथी की हड्डियों के से जो अलंकरण ऑब्जेक्ट बनते थे उसके बनाने वाले व्यापारी वहां कैंपिंग कर रहे थे। और गुनेर देते में अभी हाल में खुदाई में कुछ ऐसी पाषाण मूर्तियां मिली हैं टूटी हुई, जिनको ही तुलना हम मोहनजोदड़ो की पाषाण मूर्ति से कर सकते। उनके धड़ का नीचे वाला भाग मिला है, जैसे पशुपति बैठे हुए हैं ऐसा नीचे वाला भाग, जैसे बुल है पत्थर का, ये हमें लखनऊ जोधपुर से क्या नाम गुनोर देवते से मिली। तो गुनोर देवते एक बहुत महत्वपूर्ण, लोग कहते हैं कि आर्य भारत में आए या बाहर से लोग आए मोहनजोदड़ो को नष्ट किया। इस विषय में हम अंत में बोलेंगे अगर समय रहेगा, जब हम राखीगढ़ी के बारे में बात करेंगे, डीएनए के बारे में बात करेंगे, सब करेंगे। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में बहुत काम हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता पर, कौशल ने किया है, सुनामणे जी ने किया है, जेपी जोशी ने, आरएस बिस्ट साहब ने, और कुछ जापानी स्कॉलर ने भी किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साइट जो है वो नगवाड़ा है, जो गुजरात में है, नॉर्थ गुजरात में। वहां सोनावरे जी ने एक्सप्लेन किया, वहां हड़प्पा के पहले के कुछ सोने के चीजें मिली हैं, सोने के बीड्स मिले हैं, जैसे लोथल से मिला है। तो लोथल लोथल जैसे ऑर्नामेंट हमें नगवाड़ा से मिले हैं, पूरा नेकलेस नहीं मिला है, केवल 5 बीट्स मिले हैं। सुनामने ने उनको प्रकाशित किया, मैंने हरप्पन ज्वेलरी वाली पुस्तक में उसके कलर चित्र प्रकाशित किए हैं। इसी तरह से एक स्थल है खीरेसरा, जहाँ जितेंद्र नाथ जी ने एक्सप्रेशन किया है, वो अमरेंद्र नाथ जी के छोटे भाई हैं और डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। खिलेसरा से भी कुछ ऐसे ही प्रमाण मिले हैं, जैसे लोथल में सोने के बीट का एक नेकलेस मिला है, ऐसे उसी से मिलता जुलता खिलेसरा से मिला है। खिलेसरा भी एक कोल टाउन था। उसके अलावा जूनीपुरम एक साइट है, वहां एक्सप्रेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया था। वहां पर एकदम धौलावीरा जैसे
साइकेडल पत्थर के रॉक कट आर्किटेक्चर के प्रमाण मिले हैं, तो लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, एक्सरेस्ट्रा की प्रकाशित होने वाली है। जूनी कुरन की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। खानमेर में उदयपुर के पास है, वहां भी खुदाई हुई थी और वहां पर भी कुछ बीच बनाने के वो मिली फर्नेस। सोनामने की टीम ने बागासरम में खुदाई की है, अंबिका पटेल भी उसमें शामिल थी, लेकिन एक जगह उन्होंने गलती से लिख दिया जहां कॉपर बहुत संख्या में कॉपर होल मिले हैं, उनमें कॉपर ऑब्जेक्ट मिले हैं सिंधु घाट सिंधु सरस्वती सभ्यता के, लेकिन उन्होंने गलती से एक जगह जिक्र कर दिया कि ये जो है कॉपर होल्ड है और उसमें कुछ ऐसे औजार हैं जो गंगा प्लेन से जो मिले हैं कॉपर होल्ड उससे मिलते जुलते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि ये जो हरप्पन आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये कॉपर होल्ड वाली प्रॉब्लम को कभी ज्यादा टच नहीं करते। आप सरप्राइज करेंगे, भारत में पॉल यूले के अलावा किसी ने कॉपर होल्ड पे कोई ग्रंथ नहीं लिखा। मुझे गुस्सा आया तो 2003 में मैंने ग्रंथ लिखा कॉपर होल्ड पर, और सबसे पहले मैंने ये बोला कि कॉपर होल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थे लेकिन अलग लोग थे। जब हम यूपी में सनोली में आएंगे तो विस्तार से बात करेंगे। तो कॉपर होल्ड हमको बगासरा से मिले हैं और एक कॉपर का लक्स होल्डर एक्ट पहले लोथल से मिल चुका है। अब हम राजस्थान पे आएंगे। राजस्थान में जो इधर नए उत्खनन हुए हैं उसमें तरखन वाला ढेरा ये प्रमोद त्रिवेदी जी ने एक्सपेक्ट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे डायरेक्टर से और बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे क्रिमेशन के प्रमाण मिले हैं, ऐसी तरह के क्रिमेशन के प्रमाण, सर सर में मुंह में जलाने के प्रमाण, अजला सर काली बंगन से मिला है। तो क्रिमेशन भी होता था और बरियल भी बनाए जाते थे, ये दोनों प्रमाण हमको तरखन डाला डेरा से मिले। उसके अलावा फायर अल्टर भी बनाए जाते थे। अभी अभी देश पांडे ने वहां पे जो एनालिसिस किया उसको काली बंगन जैसे इक्वच के भी प्रमाण मिले हैं। तो तरखन वाला डेरा में मैच्योर हरप्पन सभ्यता के प्रमाण मिले राजस्थान में, ये भी काली बंगन के पास है। एक और साइट है बरू जहां पर उर्मिल संत ने एक्सप्रेशन किया था, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं। उर्मिल जी ने जो एक्सप्रेशन किया उसमें प्री हरप्पन के पहले लगभग 4200 ईसा पूर्व तक के पुरातत्विक प्रमाण बरू में मिले हैं। एक पोटी होती हकरा बेयर उसका जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन छोटा उत्खनन था। सील मिली है बरोर से, कुछ सील हरप्पा के पहले की भी है, लगभग 3200-3000 ईसा पूर्व की है। उसके बाद एक और नया स्थल है बिंजौर, यहाँ पे पहले मैडम केसी दलाल ने एक्सप्लोरेशन किया था, यहाँ भी बीओपीओ टेलीस्कोप ने एक्सप्लोरेशन किया था, अमरानंद घोष ने भी किया था। बाद में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डीवी शर्मा, के शर्मा, के पांडे ने एक्सप्रेशन किया, बाद को मंजूर पहुंचे संजय मंजूर कुमार जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं, उनके समय में विस्तार से एक्सप्रेशन हुआ और उनको कुछ टेराकोटा के कुछ यवन यज्ञ कुंड में जो पिलर के प्रमाण मिले हैं, यज्ञ कुंड मिला है उनको, फायर अल्टर मिला है बिंजौर से, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर पाए। बिंजौर भी
अर्ली हरप्पन लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेकर मैच्योर हरप्पन है 2000 ईसा पूर्व तक का है। और यहाँ पर करीब 32 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यज्ञ कुंड या हवन कुंड हो सकते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे ये युवा पुराविद हों चाहे ये आज के लोग हों चाहे ये लोग, कभी भी अपनी खुदाई में वैदिक स्कॉलर को शामिल नहीं करते। अगर ये वैदिक स्कॉलर को शामिल करें तो बताए कि ये यज्ञ कुंड है कि नहीं, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। कल्याण ब्रह्मन ने 32 या 30 हवन कुंडों का जिक्र किया है जिंजौर से, लेकिन एक्सिबिटर कहते हैं 2 या 3 ही हैं, बाकी सब चूल्हे हो सकते हैं। ये विडंबना है, इन चूल्हों की जांच होनी चाहिए, ये भी हवन कुंड हो सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में पिलर होता था हवन के वक्त में गाड़ा जाता था, ऐसे टेराकोटा का पिलर मिला है जिंजौर से। प्रभाकर एक और डायरेक्टर एक्सप्लोजन एक्सपीडिशन अब तक थे, अब चले गए प्रोफेसर हो गए गांधीनगर में उन्होंने, और एस के मित्रा ने एक और राजस्थान में साइट है करणपुरा, वहां पर उनको बीड बनाने का बड़े अच्छे प्रमाण मिले हैं। और लेकिन ये जो भी एक्सप्रेशन हुए हैं, इनमें भोलावीरा की रिपोर्ट व्हाट्सएप पे और उस पर गूगल पे आ गई है, लेकिन प्रकाशित रिपोर्ट नहीं है। कालीबंगन का पार्ट 2 भी आ गई है, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ की राखी गढ़ी भी आ गई है, 2015 ही में आ गई थी, तो ये कुछ है। लेकिन ये बरोर बिंजौर करणपुरा ये सब प्रकाशित नहीं हो सकता। अब हम आपको एक ऐसे पुराविद के बारे में बताएंगे, मैडम देश पांडे हैं डेकन कॉलेज की, वो इन सब स्थलों से जो हड्डियां मिली हैं उनकी जांच कर रही हैं। उन्होंने अपनी जांच में ये पता लग किया कि यहाँ जो जानवरों के हड्डियां मिली हैं बरोर से, बिंजौर से, करणपुरा से, तिरेतरा से, उसमें घोड़े के भी प्रमाण है, गिराना से उसमें घोड़े के भी प्रमाण है। और बड़ी दबी जमाल से ये डेकन कॉलेज वाले लोग लिखते हैं, एक वजह भी है। डेकन कॉलेज का ओरिएंटेशन हमेशा झुकाव वेस्ट से रहा है, अमेरिका से रहा है, इंग्लैंड से रहा है, उसकी वजह वहां की यात्राएं करते हैं। यही हाल बड़ौदा का भी है, बड़ौदा से विद्यार्थियों को हार्वर्ड बुलाया जाता है, फिर उनकी पीएचडी हॉर्सबोन पे कराई जाती है, लौट के जब वो आते हैं हिंदुस्तान तो वो भी कहते हैं कि घोड़ा नहीं ये खच्चर है। और केवल एक ये बोल्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं देश पांडे जी, और एके शर्मा ने भी पहले कालीबंगन में सुरकोटाडा में घोड़े की हड्डियों का उल्लेख किया है, तो बोल्ड होना चाहिए। अब हम आपको हरियाणा की तरफ आएंगे। हरियाणा में तो जितना काम हुआ है शायद सरस्वती में उतना कहीं नहीं हुआ है। सबसे पहले हम भीराना की बात करेंगे, जहां पे एलएस राव ने एक्सप्रेशन किया था। भीराना का भी कुछ कल्चरल सीक्वेंस ऐसा ही है जैसा बरूर का है। तो भीराना में हमको प्री हरप्पन के पहले से डिपॉजिट मिला है, ये भी लगभग 4000 से शुरुआत होता है, लेकिन अब इसकी डेट और पुरानी जा रही है, करीब 6000-7000 ईसा पूर्व जा रही है, ये भी बीरबल सानी इंस्टीट्यूट में। एक बात ये है कि हमारी जितनी भी डेटें हैं वो सब बीरबल सानी इंस्टीट्यूट या इंडिया के उससे हैं, हमारी कुछ डेटें विदेशों से भी होनी चाहिए, जिससे हम वेस्टर्न स्कॉलर से ये कह सकें कि हमारे दावे हमारी डेट मेहरगढ़ के संतालीन जा रहे हैं। उसके बाद वीराना में एक बहुत
संख्या में सीट मिली है। एल एस राव हमारे बीच में नहीं रहे, वो डायरेक्टर थे, सुप्रिंटेंडेंट थे, पर काफी कम उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया, 50 प्लस के आसपास थे। अब साहू और नंदिनी साहू ये उस रिपोर्ट को लिख रही हैं और साहू पे मुझे उम्मीद है कि वो इसको रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन जो भिराना में जो साइट है उसका जो व्यापक स्तर पर जो उत्खनन हुआ है उसकी रिपोर्ट जरूर आनी चाहिए। उसके बाद कुणाल में के बारे में बात करेंगे। कुणाल में पहले जो एक्सप्रेशन आचार्य जी ने किया था और शर्मा जी ने किया था, हरियाणा डिपार्टमेंट के थे, तो तब उनको प्री हरप्पन पीरियड का एक चांदी का दो चांदी के मुकुट मिले। एक मुकुट के ऊपर श्रीवत्स जैसा अंकन था। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग थोड़ा बोल्ड नहीं है, जब कभी बात होती है थापर बीबीलाल संकालिया जी से पूछ के आर्गोजी करते हैं और जो बताते हैं वही चलती चली आती है। लेकिन वो ट्रायरा नहीं था, वो श्रीवत्स था। जैनियों का सिंबल, वो कमल के पुष्प की पंखड़ियों के किनारे श्रीवत्स था। और एक सोने की भी वहां पर बीच का नेकलेस मिला है जो लोथल के संकालीन। और कुणाल की एक बात यह है, वहां करीब 10-11 मैच्योर हरप्पन के पहले की सील मिली, लेकिन उसमें कोई आकृत नहीं है, केवल लिपि है। इसका मतलब कुणाल में सिंधु लिपि करीब 3200 ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी। इसी तरह के प्रमाण हमको मेहरगढ़ से भी मिले हैं, कुछ सील वहां की 3500 से 3000 ईसा पूर्व तक का। इसमें मतलब लिखित परंपरा हमको 3500 से 3000 के बीच में इस क्षेत्र में शुरू हो गई थी, कुणाल में भी मिली है। मंजूर कहते हैं उनको भी दिंजौर से एक हरप्पा के पहले की सीट मिली है, प्रकाशित नहीं की है।